खिलाओ एक दूसरे को। जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ, वो साकार होता नजर आ रहा है। अब सिर्फ हिंदुस्तान के 2.5% इलाके में कांग्रेस पार्टी का शासन बचा है और बाकी ये जो बड़ी स्टेट थी कर्नाटक, भाजपा जीत के साथ 70% हिंदुस्तान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा चुका है और कांग्रेस मुक्त भारत तेजी से बढ़ रहा है। ये आने वाले समय के अंदर सारे सूबों से कांग्रेस की समाप्ति होगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। जो सपना हमारे ओम प्रकाश ग्रोवर जी ने सदियों पहले देखा था, जो सपना अटल जी आडवाणी ने देखा था, वो सपना आज की तारीख में साकार होता नजर आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान का कार्यकर्ता, मतदाता और विशेष तौर पर कर्नाटक का मतदाता बधाई का पात्र है, जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ अपने प्रदेश के अंदर जितनी बातें चुनाव से पहले चल रही थी उन पर पूर्ण विराम लगाते हुए पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हम पूरे कर्नाटक प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और कांग्रेस को राहुल गांधी के प्रधान बनने के बाद ये करारी छठवीं हार है उनकी और कांग्रेस को पता लग जाना चाहिए कि उनके पास कोई नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का मुकाबला करने के लिए नहीं है। और जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना हम 19 की राह तो आप बिल्कुल आसान है। 19 की राह वैसे भी नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश के अंदर दूसरा कोई किसी पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ ये एक ही बात को करते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेज ऑल, ये सपना ये संजोए हुए हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का मुकाबला करने के लिए उनके जैसा व्यक्तित्व वाला नेता पूरे विपक्ष के पास नहीं है, तो कांग्रेस की तो हम बात क्या करें।